स्टार्ट पोस्चर्स में और कौन कौन से पोस्चर्स शामिल हैं गरिमा? ताड़ासन कर सकते हैं, समस्थिति से लेग्स को ओपन करके हैंड्स को इस तरह से सेंड करें और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें अपने टोज पर। और किसी भी तरह का बैलेंसिंग पोस्चर जब हम प्रैक्टिस करते हैं इस तरह से, तो हमारा फोकस एंड कंसंट्रेशन एकदम प्रेजेंट मोमेंट पे आ जाता है, ना कि फ्यूचर की वरीज में जहाँ हम हमारा मन भटकता रहता है, या फिर पास्ट में जो भी हमारे साथ हुआ है हम वही सोचते रहते हैं। बैलेंसिंग पॉस्चर्स का उद्देश्य ही ये होता है कि हम अपना फोकस एंड कंसंट्रेशन करंट सिचुएशन में, करंट पोजीशन में लेकर आएं। इस तरह का फुल बॉडी स्ट्रेच होता है ताड़ासन, टोज पर बैलेंस एंड स्लोली काम डाउन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो आसन प्रधानमंत्री यहाँ मैसूर पैलेस के प्रांगण में करेंगे, दरअसल वो तस्वीरें देश भर में पहुंचेंगी। और देखिए, लखनऊ में सीएम योगी का भी वही आसन चल रहा है, क्योंकि इसकी लाइव तस्वीरें उन 75 जगहों पर पहुंच रही हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री मौजूद है, उनके साथ लोग भी मौजूद हैं। लेकिन ये दरअसल आगाज है आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है, और ऐसे ही कई अलग अलग जगहों पर इसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है ताकि लोग अनुसरण कर सके, वही आसन करें जो इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और जैसा कि हमें जानकारी भी मिल रही है कि ये एक ऐसी बेसिक योग एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी गर्दन को आराम दे सकते हैं। गर्दन को पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, कई बार रोटेशन में, मूवमेंट में घुमाने से आपकी गर्दन को आराम मिलता है। और दो तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे आज अलग अलग मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को ये हिदायत दी गई है कि वो बड़ी संख्या में अपने साथ उन लोगों को भी सम्मिलित करें, शामिल करें, जिनका योग में पूरा भरोसा है। वो चाहते हैं कि योग उनकी जीवन शैली का हिस्सा बने, योग उनके जीवन का माध्यम बने, कैसे श्वास से जुड़ी तमाम योगाभ्यास से वो अपने शरीर को ही नहीं, अपने मन को भी स्वस्थ बना सकते हैं। क्योंकि अगर मन निर्मल होगा तभी तन आपका स्वस्थ रहेगा। और इसी बड़े संदेश के साथ एक वैश्विक पटल पर भी अब योग को पहचान देने वाला भारत वो देश है जहां पर घर घर अब योग पहुंच चुका है, चाहे रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए, तमाम योग गुरु। गरिमा, ये आसन जो इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये कौन सा आसन है और इससे क्या लाभ होता है? इससे हम एक तरह से ताड़ासन ही कहेंगे, क्योंकि ये हमारे पूरे स्पाइन को स्ट्रेच कर रहा है और हमारे शोल्डर्स को ओपन अप कर रहा है। और जैसे कि मैंने कहा कि अक्सर हम एवरीडे डे टू डे लाइफ में अपने स्क्रीन्स पर डिजिटली इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पाइन हमेशा इस तरह से कोलैप्स रहती है और पोस्चर खराब होता है। तो ये पूरे के पूरे स्पाइनल कॉलम को ओपन अप करने का एक बहुत ही अच्छा आसन है, पूरे शोल्डर्स में। और किसी भी तरह का पेन अगर आप इनकाउंटर करते हैं तो कंधा संचालन जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही एक्सीलेंट है आपके पूरे शोल्डर जॉइंट को रोटेट करने के लिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और पूरे बैक के कॉलम को भी ये रेजुविनेट करता है। तो 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, और यही प्रधानमंत्री के साथ तमाम लोग वहां पर इस वक्त यही आसन कर रहे हैं। और सिर्फ मैसूर ही नहीं, ये पूरे देश भर में तस्वीरें जा रही हैं। तो इस वक्त यही आसन देश भर में करोड़ों लोग कर रहे हैं इस वक्त अपने अपने घरों में टेलीविजन स्क्रीन को देखकर। ये जो तमाम आसन यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए, सबसे पहले हमने देखा कि उन्होंने अपनी गर्दन को, उसके बाद आपने बताया कि शोल्डर को, एक एक करके सभी अंगों को स्ट्रेच किया जा रहा है। ये कौन सा आसन है गरिमा और इससे क्या लाभ है? ये एक तरह का स्टैंडिंग स्ट्रेच ही है जिसको मैं बोलूंगी कटी चक्रासन इसका नाम है। तो इससे आपके जो साइड बॉडी है, साइड की जो मसल्स हैं जिसको हम यूज नहीं करते हैं अगेन डे टू डे लाइफ में, क्योंकि हम इस तरह का ट्विस्ट नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है आपकी बॉडी को पूरा वार्म अप करने के लिए एंड पूरे अपने बॉडी की को स्टिफनेस को दूर लचीला बनाने करेगा। के लिए, यस, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए और स्पाइन में स्ट्रेंथ लाने के लिए। तो बेसिकली ये आपकी स्पाइन से जुड़ी हुई एक
एक्सरसाइज है जिसको अगर आप करते हैं तो आपको स्टिफनेस से राहत मिलती है, आपका जो वेट लॉस भी होता वेट है, वेट लॉस भी होता है, आपकी जो कमर का एरिया है, ये एरिया है, इसका फैट कम होता है, बर्न होता है, ये तमाम फायदे हैं। अब इसके बाद एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री ये अलग अलग आपके शरीर के हिस्सों से जुड़ी हुई एक्सरसाइजेस करें। अब ये कौन सी एक्सरसाइज है गरिमा, इसके बारे में बताएं क्या लाभ है इसका। उत्कट आसन यानी कि चेयर पोज, वंस अगेन पोस्चरल अलाइनमेंट के लिए, जिन लोगों को पोस्चरल डिविएशन की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही अच्छा है, और फोकस एंड बैलेंस, क्योंकि हम इसमें बैलेंस कर रहे हैं, जैसे कुर्सी में हम बैठते हैं उस तरह से, बट कुर्सी में हम अक्सर गिर के बैठ जाते हैं, तो इसमें स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए नीचे जाना है, एंड आप देखेंगे कि इससे आपके लेग मसल्स कितने ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही आप इस पोजिशन में नीचे जाते हैं। तो ये एक पोस्चर मैं बोलूंगी कि बहुत ही जरूरी है, आप इसको कहीं भी स्टैंडिंग अपने ऑफिस के डेस्क पर, अपने किचन पर, जहां पर भी हैं आप कार्यरत, इसको साथ में कर सकते हैं, यानी कि कोई बहाना नहीं चलेगा, जहां पर भी हो वहां पर ये आप पोस्चर कर सकते हैं। इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है, ये बहुत आसान है।